अच्छा पैकेज डिजाइन करने का, कलर अच्छा करने का, शेप कलर अच्छा, उठाने में इजी, रखने में इजी होना मांगता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का OCM न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग का। बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। क्रूशियल आंसर है, इंपॉर्टेंट आंसर है, मार्केटिंग पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स आपको दे सकता है, तो इसको स्किप तो करना ही नहीं है। साथ ही साथ ये वाला आंसर का वीडियो तो दिमाग में फिट कर लेना है, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे इस आंसर को इजीली आप प्रेजेंट कर सकते हो। दोस्तों एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ 7 से 8 पॉइंट लिख करके आप ये आंसर में पूरे मार्क्स वसूल कर सकते हैं। तो यार जरूर ये पूरा वीडियो देखिए अंत तक, ताकि आप समझ पाएंगे कौन से फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आप इजीली याद कर पाएंगे और इजीली लिख पाएंगे। दोस्तों मार्केटिंग ये इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न डे वर्ल्ड का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप मार्केटिंग एक्टिविटीज को यूज नहीं करेंगे तो यार आप अपने प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ा नहीं पाएंगे, और इसीलिए मार्केटिंग के अलग अलग फंक्शंस हैं। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग नहीं होता, मार्केटिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो निभाना जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो अलग अलग फंक्शंस मार्केटिंग के कौन से। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप जरूर नए हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन को देखिए, आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, चैप्टर वाइज आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं और जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल बिना भूले ज्वाइन कर लीजिए। ये है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। यहां पर ऑलरेडी 20,000 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, तो जरूर इसका फायदा उठाइए और अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज की वीडियो को शुरू करते हैं वंस अगेन विद द इंट्रोडक्शन। एज ऑलवेज मार्केटिंग के बारे में ये 4 लाइंस आपको हमेशा हर आंसर में याद रखनी है। क्या? मार्केटिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न डे लाइफ। मार्केटिंग इज परवेसिव इन नेचर एंड अफेक्ट्स अवर डे टू डे लाइफ इन एवरी पॉसिबल मैनर। याद रखिए दोस्तों, याद रखिए, बहुत सिंपल है, मार्केटिंग जो है ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है जीवन का हिस्सा। और याद आपको क्या रखना है कि यार ये अफेक्ट करता है आपके डे टू डे लाइफ को, आपके चॉइसेस को, आपके हैबिट्स को, आपके प्रेफरेंसेस को। मार्केटिंग इज बोथ एन आर्ट as well as a science. In fact, today marketing is regarded as most important of all management functions of business. और इसीलिए आज हम जो आंसर पढ़ रहे हैं वो है functions of marketing. जी हाँ दोस्तों, बात करें functions of marketing की, उससे पहले ये जान लीजिए कि इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मार्केटिंग का एब्सेंस हो, ना हो मार्केटिंग, तो मेनी बिजनेसेस वुड फेल टू एग्जिस्ट। बहुत सारे बिजनेस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, खलास हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और इसीलिए जरूरी है मार्केटिंग का होना। इन एब्सेंस ऑफ मार्केटिंग मेनी बिजनेसेस वुड फेल टू एग्जिस्ट। प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स। बॉस, अच्छे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना, ये तो प्राइम मकसद होता ही है, वो भी इफेक्टिव मार्केटिंग का इस्तेमाल करके। बिजनेस के पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, मगर वो लोगों तक पहुंचे ही नहीं, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो फिर यार बिजनेस का क्या फायदा। आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं मगर वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा, तो फिर उस प्रोडक्ट को कोई जानता ही नहीं, कोई खरीदता ही नहीं, खत्म, खलास, फिनिश। दैट इज व्हाई मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड। बात करें दोस्तों आज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग की, तो आज हम 8 फंक्शंस देखने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस बोनस की तरह इस 8 फंक्शंस के एंड में मैं दूंगा, तो जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर किसी को ऐसा लगता है सर 8 पॉइंट से ज्यादा लिखना है हमें, तो 8 पॉइंट से ज्यादा कुछ बोनस पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले फोकस है इन 8 पॉइंट्स पर। हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, आंसर का नाम MBPS, आंसर का नाम MBPS, आंसर का नाम MBPS, आंसर का नाम MBPS, आंसर का नाम MBPS। जी हाँ दोस्तों, M से मार्केटिंग रिसर्च और मार्केट प्लानिंग, B से बाइंग एंड असेंबलिंग, और B से ब्रांडिंग। जी हाँ, M से दो, B से दो, M से दो, B से दो, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग प्लानिंग, बाइंग एंड असेंबलिंग, ब्रांडिंग। आगे बढ़ते हैं, P से 3 पॉइंट्स हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग है, और प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट है, और एस से है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो कुल मिलाकर के 8 पॉइंट मैंने यहां जॉट डाउन किए हैं। ये है कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस मार्केटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। यहां पर आपको एक अच्छा मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ता है पहले,
प्रोडक्ट तय करने से पहले कि लोगों की जरूरत क्या है, लोगों का फीडबैक क्या है, लोगों की चॉइस क्या है, लोगों की पसंद क्या है, नापसंद क्या है, उसके कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च। प्लानिंग करनी पड़ती है आपको, बाइंग और असेंबलिंग करना पड़ता है, यार कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, दूसरा कहाँ से मिलेगा, इन सबको मैं असेंबल कैसे करूंगा और फिर मैं बेचूंगा। तो बाइंग एंड असेंबलिंग, इसके अलावा ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, लोगोज बनाना, ट्रेडमार्क बनाना, आपका कंपनी का ब्रांड नेम, उसकी वैल्यू उसके लोगो से पहचानी जाती है और इसलिए वो करना बहुत जरूरी। फिर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग करना, अच्छे से पैकेट को डिजाइन करना, क्योंकि यार बाहरी कवर जो होता है ना प्रोडक्ट का, वो बहुत अट्रैक्टिव होना जरूरी है, लोगों को अट्रैक्ट करेगा तो लोग उसको परचेज करेंगे। इसके अलावा प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, ज्यादा भाव पब्लिक दूर, भाव भाव यार भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस ज्यादा तो हो सकता है वहीं पे फेलियर हो जाए, बहुत जरूरी है कि प्राइस एकदम प्रॉपर हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, उसकी क्वालिटी जो है वो भी मैटर करती है, क्या स्टैंडर्ड है तुम्हारे प्रोडक्ट का, आपकी क्या ग्रेडिंग है, क्वालिटी क्या क्या है, कौन सी वेरिएशन अवेलेबल है, ये सारी चीजें आती है आखिरी पॉइंट में। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, आंसर का नाम MBPS, आंसर का नाम MBPS, आंसर का नाम MBPS, let's rock, come on। सबसे पहले बात करते हैं M, M for, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की, M से मार्केटिंग रिसर्च। जी हाँ, इफेक्टिव मार्केटिंग इज पॉसिबल व्हेन बिजनेस टेक्स इनिशिएटिव, बिजनेस को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, लोगों की तरफ आना पड़ेगा, लोगों के बीच आना पड़ेगा, लोगों के बीच उसे पूछना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, लोगों को समझना पड़ेगा उनकी फीलिंग्स को, उनके टेस्ट को, उनके हैबिट को, उनके प्रेफरेंसेस को, तभी तो यार इनिशिएटिव लेकर के आइडेंटिफाई कर पाएंगे द नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ द कंज्यूमर, नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ द कंज्यूमर, नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ द कंज्यूमर, नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ द कंज्यूमर। टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, देयर इज अ नीड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तुम्हाला जर नीड्स, कंज्यूमरची गरज ओळखायची आहे, तर तुम्हाला त्याची माहिती कलेक्ट करायची आहे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द कंज्यूमर एंड एनालाइज द सेम, दिस इज नोन एज मार्केटिंग रिसर्च। याच प्रोसेसला आपण मार्केट रिसर्च असं म्हणत आहोत। होपफुली आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट रिसर्च, क्योंकि यहां पर हम कंज्यूमर को जानते हैं, अपनी ऑडियंस को पहचानते हैं, उनको समझते हैं, उनकी डिटेल में बारीकी से चीजों को हम परखते हैं। एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन द असेसमेंट ऑफ द नीड इन द मार्केट, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट व्हाट डू कंज्यूमर्स वांट टू बाय, When do consumers buy? In what quantity they want to buy? हमें समझ में आता है इस रिसर्च के जरिए कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता है, कितना खरीदना चाहता है, कौन सी वस्तु पे वो अट्रैक्टेड है, ये सारे सवालों के जवाब हमें इस रिसर्च से मिलते हैं। मार्केटिंग रिसर्च हेल्प टू टेक वेरियस decisions रिगार्डिंग सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट, पहला फंक्शन आप समझ पा रहे होंगे, MBPS, M for marketing research। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, M से दो और B से भी दो हैं, तो यहां M से दूसरा पॉइंट आता है मार्केट प्लानिंग। यार प्लानिंग तो बहुत एसेंशियल है, अपने स्टैंडर्ड गोल सेट करने के लिए प्लानिंग जरूरी होती है, हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में भी पढ़ा है, उसी प्रकार मार्केट की भी प्लानिंग बहुत जरूरी है। आफ्टर असेसिंग The need of the marketing, business needs to chalk out the marketing plan. तुमचा प्लान काय आहे, तुम्ही किती खर्च करणार आहात मार्केटिंग वरती, किती बॅनर लावाल, कितने होर्डिंग लगाओगे, कितने पॅम्पलेट बाटोगे, कहां पर मार्केटिंग करोगे, पूरे प्लानिंग होना चाहिए, आर्किटेक्चर की तरह रोडमॅप तो बनाना पड़ेगा ना बॉस। येस, मार्केटिंग प्लान अँड स्ट्रॅटेजीज टू अचीव द डिझायर्ड ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग प्लानिंग is the process of organizing and defining the marketing objectives of the business and creating strategies to achieve them। yani yaar aapka goal kya hai, aapko 100 crore ka sale kar, तो वो 100 करोड़ के सेल के लिए कितना मार्केटिंग लगेगा, क्या क्या वस्तु लगेगी, ये प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। आप सोशल मीडिया पे ऐड करने वाले हो, टीवी पे ऐड करने वाले हो, ब्रांड एम्बेसडर साइन करने वाले हो, क्या प्लानिंग में सारी चीजें मौजूद होनी जरूरी है। इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव ब्लू प्रिंट दैट विल हेल्प टू ड्रॉ आउटलाइन ऑफ बिजनेस ओवरऑल मार्केटिंग एफर्ट्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा मार्केट प्लानिंग का। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, MBPS में बी से आता है बाइंग एंड असेंबलिंग। आहा, ये एक एसेंशियल स्टेप है, इसके बिना आगे काम बढ़ेगा ही नहीं, आपको खरीदना पड़ेगा चीजों,
आपको बनाना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट। और यहां पर दोस्तों इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रॉ मटेरियल, क्या कलेक्टिंग रॉ मटेरियल, क्या कलेक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एट वन प्लेस फॉर प्रोडक्शन। दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट एज क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डिटरमाइंस कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रॉ मटेरियल कितने में आ रहा है। जब ये पता चलता है तो काम आसान होता है बॉस, जब ये पता चलता है तो काम इजी होता है। इसी से आप अलग अलग चीजों को तय कर पाते हैं, अलग अलग चीजों को समझ पाते हैं एंड आप डिसाइड कर पाते हैं कि यार प्रोडक्ट अपने को कितने में आ रहा है, अपने को बेचने का कितने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बाइंग एंड असेंबलिंग। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है बी से ही, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग की बात करें दोस्तों तो यहां पर याद रखिए एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू हैव अ स्पेशल आइडेंटिटी। ये ब्रांड का लोगो हो गया, आपने मर्सिडीज का लोगो देखा होगा, एचपी वालों का लोगो आपने देखा होगा, आपने रिलायंस का, टाटास का लोगो देखा होगा। ये एक अलग इमेज माइंड में फिट करती है और एक पहचान के रूप में सामने आती है, और इसीलिए दोस्तों बहुत एसेंशियल हो जाती है इन द मार्केट फॉर हिज प्रोडक्ट। ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी, प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी, प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी, प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट थ्रू यूनिक ब्रांड नेम and to differentiate it from competitor's product in simple words, giving it a distinct name, or isi ko branding kehte hain. Branding helps to give recognition among the consumers. Yani yaar consumers ke samne to bahut sare options hain, bahut sare product hain. Aapka product kaise sabse alag dikhega, aapke logo ki wajah se, aapke brand name ki wajah se, aapke packaging style ki wajah se, isi se to wo alag banega. And that is why, my dear students, branding is essential function of marketing. हम पढ़ रहे हैं functions of marketing, answer का नाम MBPS. यहाँ पर याद रखिए B से branding. बढ़ते हैं दोस्तों आगे. अगला P से है product का development. ये बहुत crucial और important stage है क्योंकि आप जो बेच रहे हैं ना वही अगर अच्छा नहीं है, आप जो बेच रहे हैं वही अगर अच्छा नहीं है तो customer आपके पास आएगा क्यों? एक बार फंसा सकते हो, बार बार थोड़ी फंसा सकते हो. एक बार आप बेवकूफ बना सकते हो, बार बार थोड़ी बना सकते हो. दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत एसेंशियल है कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान दें, उस पर क्रूशियली समझदारी से टाइम स्पेंड करें. प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट. देयर इज अ नीड टू डेवलप द प्रोडक्ट दैट सूट्स द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर की जो जरूरत है उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन कीजिए. यस, प्रोडक्ट डिजाइन इंक्लूड्स डिसीजन रिलेटेड टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, शेप, डिजाइन, पैकिंग, कलर एक्सेट्रा. ये सारी चीजें जो हैं आती हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में. प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. समय समय पर जब टाइम टू टाइम सारी चीजें बदलती हैं, चेंज होती हैं ना बॉस, तो बहुत प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट बन जाता है. क्योंकि यार प्रोडक्ट का डेवलपमेंट अच्छा करोगे तो क्वालिटी अच्छी दे पाओगे, उसका साइज, शेप, कलर जो है वो अच्छा चुन पाओगे, लोगों को जो पसंद है वो बना पाओगे, और इसी से लोग आपका प्रोडक्ट ज्यादा परचेज करेंगे. सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. बढ़ते हैं दोस्तों आगे. प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद आता है पी से पैकेजिंग एंड लेबलिंग. भाई दोनों अलग अलग है भाई, पैकेजिंग और लेबलिंग. क्या है? पैकेज एंड लेबल क्रिएट्स द फर्स्ट इंप्रेशन. अट्रैक्टिव पैकेज होगा, लेबल होगा, तो उससे प्रोडक्ट सक्सेसफुल बनेगा. अब पैकेजिंग का मतलब क्या है जरा मार्क कर लेना. पैकेजिंग मींस डिजाइनिंग द पैकेज. पैकेजिंग मींस डिजाइनिंग द पैकेज. अच्छा पैकेज डिजाइन करने का, कलर अच्छा करने का, शेप कलर अच्छा, उठाने में इजी, रखने में इजी होना मांगता है. एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैकेजिंग. इसके अलावा दोस्तों बात करें लेबलिंग की, तो लेबलिंग क्या है? तो लेबल इज अ स्लिप व्हिच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूसर. हर प्रोडक्ट में एक लेबल ऐसा होता ही, आप देखना, उस पर बनाने वाले का नाम होता है, प्रोड्यूसर का,
वो कब बना, कब मैन्युफैक्चर हुआ, सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारे इंग्रेडिएंट्स होती है प्रोडक्ट के, तो वो होता है लेबल। पैकेजिंग और लेबलिंग सरकार ने बोला है कंपलसरी है भाई, अच्छा करने का, सारी जानकारी कस्टमर को मिलनी चाहिए, जागो ग्राहक जागो, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। और यहाँ पर ये पैकेजिंग लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैकेजिंग मतलब प्रोडक्ट का डिजाइन, पैकेज का डिजाइन, और लेबलिंग मतलब उसका सारा इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर होना चाहिए। द स्लिप ऑन विच ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड एज द लेबल एंड इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड एज लेबलिंग। पैकेजिंग एंड लेबलिंग नॉट ओनली प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन तो देता ही है प्रोडक्ट को, बट ऑल्सो एक्ट एज एन इफेक्टिव टूल ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि इससे कस्टमर को सारी जानकारी मिल जाती है कि प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में कितना क्या क्या है, कब बना था, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एवरीथिंग कम्स ऑन द लेबल। उम्मीद करता हूं दोस्तों एक और आसान सा पॉइंट आप समझ गए होंगे पैकेजिंग एंड लेबलिंग के माध्यम से। अगले पी की बात करूं तो ये है भाई प्राइस। ये तो अपन इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं, प्राइस नीचे डिमांड उच्च, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे, याद है ना भाई, वही है खेल, वही है। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट मैटर्स लॉट, बहुत ज्यादा मैटर करता है प्राइसिंग। अगर सही प्राइस आप रखने में नाकामयाब रहे तो प्रोडक्ट प्राइस पे ही फेल हो जाएगा। प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको बहुत रिसर्च करना है और उसका प्राइस सही तरीके से तय करना है। प्राइस ये देखो लास्ट लाइन में लिखा होगा, यहाँ पे कहाँ गया यस यहाँ पर लिखा है इफ प्राइजेस आर टू हाई इट माइट लूज कस्टमर्स बट इफ प्राइजेस आर टू लो इट माइट सफर लॉसेस एज वेल। सो डिसाइडिंग द राइट प्राइस नीड्स एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च। बहुत ध्यान से आपको इस चीज पे वर्कआउट करना है कि प्राइस क्या रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकते कस्टमर चले जाएंगे, बहुत कम भी नहीं रख सकते खुद को लॉस हो जाएगा। तो आपको बहुत सोच समझ करके अच्छे से पर्याप्त कॉम्पिटिटर्स का प्राइस वगैरह देख करके डिसाइड करना है कि मेरे को कितने प्राइस में ये पड़ने वाला है और मैं इसको कितने बेचूंगा। एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च करके ही प्राइसिंग और प्रोडक्ट डिसाइड होता है। आसान सा पॉइंट है दोस्तों एमबीपीएस में। अगले पॉइंट की बात करें तो यह है से स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, बहुत जरूरी है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू प्रोसेस साइज क्वालिटी डिजाइन वेट कलर एक्सेट्रा। म्हणजे माझा प्रोडक्ट एवढ्या भावाचा असेल, ऐसी क्वालिटी का होगा, इतने कलर का होगा, इतने किलो का होगा, इतने लीटर का होगा, मेरा प्रोडक्ट ऐसा ऐसा होगा, यह होता है स्टैंडर्ड। अब जब आप प्रोड्यूस करोगे, प्रोडक्शन शुरू करोगे, तो ना उस स्टैंडर्ड से ऊपर जाना है ना उस स्टैंडर्ड से नीचे जाना है, वो होता है पर्याप्त स्टैंडर्डाइजेशन। आपको हर प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन करना, इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी। अब आप देखिए ना, सिंपल सी बात है, आप पार्ले जी बिस्किट देख लिए, पार्ले जी बिस्किट जो है वो सालों से सेम ही आ रहा है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि हर बार उसमें चेंजेस होंगे तो यूनिफॉर्म होंगे। साइज चेंज किया पैकेट का तो वो पूरा सब जगह पर चेंज कर दिया। ऐसा नहीं कि गुजरात में अलग साइज का पार्ले जी मिल रहा है, अहमदाबाद में अलग मिल रहा है, सूरत में अलग मिल रहा है, नालासुपारा में अलग मिल रहा है, विरार में अलग मिल रहा है, मुंबई में, अंधेरी में अलग मिल रहा है। हर जगह पे यूनिफॉर्म होना चाहिए ना, उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए कि ये पैकेट ₹5 वाला ऐसा ही होगा, उसमें इतने ही बिस्किट आएंगे, है कि नहीं। दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन, और वही इंपॉर्टेंट है, और वो मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन। इट हेल्प्स इन अचीविंग कस्टमर्स लॉयल्टी टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। दूसरी तरफ ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ classification of products according to similar characteristics and quality. Grading is done on the basis of उसके features, जैसे कि size, shape, quality, etc. Generally, grading is done in case of agricultural products. किस पे? Agricultural में, मतलब चावल है। अब चावल की खेती हो गई है, किसान खेत में से सारा cultivation करके लेकर आया, तो चावल को आपको grade करना पड़ेगा, कौन सा best quality का है, कौन सा medium quality का है, कौन सा उकड़ा चावल है, कौन सा टुकड़ा चावल है, कौन सा बासमती है, है कि नहीं। ये सारे अलग अलग ग्रेडिंग से ही पता चल पाएंगे और प्रॉपर सेग्रीगेट और सॉर्टिंग हो पाएंगे, लाइक वीट, राइस, पोटैटोज एक्सेट्रा। तो यहां पर दोस्तों हमने 8 पॉइंट्स जो हैं MBPS के माध्यम से कंप्लीट किए हैं। ये 8 पॉइंट पर्याप्त हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट प्लानिंग, बाइंग एंड असेंबलिंग, बी से ब्रांडिंग। MBPS में 3 P हैं दोस्तों, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, और एस से स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। MBPS functions of marketing, answer का नाम MBPS। अगर यहां तक answer आपने देखा है, video आपने देखा है, इतना लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ और points भी आप add on कर सकते हो। कुछ bonus tips की मैं बात करूं, bonus points की बात करूं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं customer support service, ये भी एक function है। मतलब यार आपका रिश्ता customer के साथ सिर्फ और सिर्फ
बेचने तक का नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी आप उसे सपोर्ट दें, उसको सर्विस दें, आफ्टर सेल सर्विस जिसे हम कहते हैं वो आती है दोस्तों कंज्यूमर हेल्पलाइन के माध्यम से, आफ्टर सेल सर्विसेज टेक्निकल असिस्टेंस के माध्यम से, प्रोडक्ट का डेमो एक्सेट्रा, ये सब कस्टमर सपोर्ट सर्विस में आता है और ये भी एक फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और पॉइंट्स की बात करूं तो यहां पर आप प्रमोशन चैनल्स की बात कर सकते हैं कि यार प्रमोट कैसे करेंगे, तो आप एडवर्टाइजिंग करें, पर्सनल सेलिंग करें, पब्लिसिटी करें, सेल्स प्रमोशन, अलग अलग ऑफर्स डालते रहें। तो आज हमारे सीईओ का बर्थडे है, आज 50% ऑफ है, आज आप दो लेंगे तो दो पे दो फ्री मिलेगा, तो ये ऑफर्स होते हैं, ऐसे ऑफर्स भी आप प्रमोशन चैनल्स में डाल सकते हैं। एंड बिजनेस यूजर्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल और सम ऑफ दीज फोर मेथड्स फॉर प्रमोशन एज पर द नीड ऑफ द बिजनेस। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, मैं पार्ले जी का हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ। पार्ले जी जो है ये गांव गांव तक, रिमोट एरियाज तक, हर एरिया तक पहुंच चुका है, सब जगह पे, मतलब ऐसा गांव गली कूचा कोई नहीं होगा जहां पार्ले जी नहीं मिला होगा, मिलता ही है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वजह से मिलता है। और डिस्ट्रीब्यूशन करना ये जो एक्टिविटी है ये भी जो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में ही आती है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर, इसको पहुंचाना ही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है ये भी आप समझ रहे होंगे। इसके अंदर मैं बात करूं दोस्तों एक और पॉइंट की, तो यहां पर जो अगला पॉइंट है वो कहलाता है अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन करके एक पॉइंट है, सिंपल है। अब कैसा है, बिजनेस हाउस को ट्रांसपोर्ट भी करना चाहिए, जैसे मैंने बताया दूर दराज के इलाकों तक अगर आपको पहुंचाना है अपने प्रोडक्ट को तो यार ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन मींस फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, बहुत जरूरी है। और ये ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत जरूरी है। अब आप कैसा ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, आप रोडवे, एयरवे, वाटरवे, रेलवे या पाइपलाइंस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड बाय बिजनेस। तो आप ये अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये भी एक फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। आखिरी फंक्शन की बात करूं तो यार वेयर हाउसिंग, गोडाउन में स्टोर करके रखना, टाइम लैग जो होता है ना बिटवीन द परचेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देयर सेल, मतलब क्या होता है कि यार किसान ने प्रोड्यूस कर दिया, कल्टिवेट कर दिया और अब वो बेचने के लिए मार्केट में लेकर आ गया, अब उससे खरीद लिया ट्रेडर्स ने लेकिन वो डायरेक्टली तो बेचने नहीं वाले, कुछ टाइम लगने वाला है, तो तब तक गुड्स को सेम कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में कहां रखें यार, संभाल के रखना है तो वेयरहाउस में रखेंगे। दिस इज व्हाट इज आल्सो अ फंक्शन, एनी नेग्लिजेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड में डैमेज द स्टॉक, और इसीलिए वेयरहाउस हेल्प करते हैं टू मेंटेन अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स। तो इस प्रकार से ये वेयरहाउसिंग भी एक फंक्शन ऑफ मार्केटिंग निकल करके आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आपको सारे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग समझ में आ गए होंगे। कुल मिलाकर के 8 पॉइंट तो अच्छे से आप लिख ही सकते हैं, MBPS, क्या MBPS। जरूर इस वीडियो को 1.5x पे आप वापस से रिवाइज करिएगा, लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप बेहतर ढंग से आंसर को लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर यहां तक देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम ऐसे ही वीडियोज लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे, मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, share and subscribe.